हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा नौवीं में हमारा तीसरा गद्य जो है क्या निराश हुआ जाए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। इस गद्य के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 में हुआ था और उनका निधन जो है 1979 में हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया यानी उत्तर प्रदेश जिले में है। ये जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि वो ज्योतिषाचार्य भी रह चुके हैं, उसकी भी परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन में और 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक है रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हमारे भारत सरकार ने हजारी प्रसाद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह इनके हैं और बाण भट्ट के आत्मकथा, पुनर्वा, चार चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। साहित्य में इन्होंने जो प्रदान किया है, इनके नाम अभी हमने पढ़े, अब आगे हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। ये पाठ जो है ना वो निबंध है। निबंध यानी कि जिसमें कोई बंधन ना हो, ऐसा जो मुक्त मन से लिखा जाए उन्हें निबंध हम कहते हैं। साहित्य प्रकार है निबंध। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। यानी कि कभी कहते हैं कि अभी भी इस पाठ का जो है ना वो हमारा शीर्षक भी यही है कि क्या निराश हुआ जाए, यानी कि अच्छाइयाँ जो है हमें, क्या हमारे देश में सब कुछ खत्म ही हो गया है। तो वो लेखक कहते हैं कि नहीं, अभी भी हमारे में अच्छाई है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे ही हो चुके हैं। अभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। ये पूरी लेखक ने जो बात बताई है अपने अनुभव को भी इसमें डाल के बताया है कि उन्हें जो अच्छे अच्छे अनुभव हुए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। वो लेखक हमें समझाते हैं कि हमारे मन को अभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी दुनिया में जो है अच्छाई है। ये पूरी दुनिया यानी कि हमारे देश भी कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे सब कुछ ही बुरा हो चुका है। डकैती, चोरी सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी अच्छे लोग भी हैं। जैसे बुरे लोग हैं वैसे भी अच्छे लोग भी हमारे यहाँ है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश जो है वो खराब हो चुका है, तो हमारे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आशा का किरण है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। वैसे लोग आज भी जो है वो एक दूसरे की मदद करते हैं और दूसरों के दुखों में सहानुभूत भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो गंदे विचार वाले हैं या बुरे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि आस्था भी कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। लेखक ने बताया है, इस पाठ में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसने अपने खुद के जीवन के दो तीन प्रसंग भी बताए हैं,
जिससे हमें लेखक को लगता है कि अभी भी आशा कहीं जीवंत है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। अब अभी तो हमें जीवन के प्रति आशावान बने रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। हम न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज़ में भी देखते हैं कि यहाँ पे डकैती हो गई, चोरी हो गई, लूट हो गई और आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। अक्सर हम देखते ही रहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा अखबारों में छपता है, न्यूज़पेपरों में भी यही समाचार होते हैं कि डोरी कोई चोरी डकैती कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि हमारा दिल जो है ना वो दुख जाता है कि भी अभी देश में क्या चल रहा है। हम दुखी होते हैं, चोरी डकैती भ्रष्टाचार ये सब इतने फैल चुके हैं कि हम दुख से भराते हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, ऐसा वातावरण बन गया है। तब लगता है कि क्या ईमानदार आदमी कोई है ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी शंका, शंका कुशंका जिन्हें आप कहते हैं ना, संदेह यानी शंका से। शंका की दृष्टि से, शंका की दृष्टि से जिसे हमें देखते हैं उसे कहते हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जेटलो व्यक्ति नो ऊंचो होतो ने एटला एमा दोष देखाड़े छे। दरेक व्यक्ति ने शंका की दृष्टि थी जोवामां आवे छे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं कीधु हे कि अत्यारे सुखी एवं व्यक्ति है कि जे कहीं करता नहीं, खाली बेसी रहे छे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। शू कहे छे कि कहीं पण करीशू तो लोग छे, लोको छे ए दरेक वस्तु माथी कहीं ने कहीं दोष शोधी ज काट से। उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को बड़ा चढ़ा कर दिखा जाने लगता है। कोई व्यक्ति एक सारू काम करे लो है तो मानसो है ना भूली जाए, पर है ना दोषो हो, सामान्य दोष हो ने एने मोटो मोटो स्वरूप आपी ने बीजा नी सामे प्रकट करता हो। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। लोग वधारे चढ़ावी ने एवी बातों करे छे तो कोई ना छे जे गुण छे नथी देखाता अने अवगुणो छे ए ज बीजा बधाने देखाता होय छे, केम के एने वधारे चढ़ावीने कहेवामां आवे छे। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो स्थिति आवी ज बनेली रहेशे तो खरेखर चिंतानो विषय छे। एवुं कहे छे क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। શું કહે છે કે ભારતવર્ષ શું આપણું આ એ જ છે કે જેને ગાંધીજી અને તિલકે જેનું સ્વપ્ન જોયું હતું। રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર ઓર મદન મોહન માલવિયા કા મહાન સંસ્કૃત સભ્ય ભારતવર્ષ કિસી અતીત કે ગહવર મેં ડૂબ ગયા। શું કહે છે રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર અને મદન મોહન માલવિયા જે છે એણે ભારતવર્ષનું જે સપનું જોયું હતું અતીત કે ગહવર મેં, એટલે ભૂતકાળના ગડ્ઢામાં શું ક્યાંય ડૂબી ગયું છે, ખોવાઈ ગયું છે, જેનું સ્વપ્ન ગાંધીજીએ જોયું હતું। હે ભારત એક બનીને રહે ને સર્વધર્મ સમભાવનું જે સ્વપ્ન જોયું હતું આજે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એને ભૂલાતું જોઈએ છીએ। તો આર્ય ઓર દ્રવિડ, હિન્દુ ઓર મુસલમાન, યુરોપીય ઓર ભારતીય આદર્શો કી મિલન ભૂમિ મહામાનવ સમુદ્ર કા સુખી ગયા। મેરા મન કહેતા હૈ એસા હો નહીં સકતા, હમારે મહાન મનીષીઓ કે સપનો કા ભારત
है और रहेगा, यानी कि हमारा जो भारत देश है इसको स्वप्न जो गांधी जी हमारे महान व्यक्तियों में से एक है, यानी पंडित मनीषियों यानी कोई पंडित के सपनों का जो भारत है वो है जैसा उन्होंने सोचा था वैसा था और रहेगा भी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले नीरे और बोले बोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। शू कहे छे के हालनी परिस्थिति आपणे मानीए छे के एवी बनी गई छे के जे मेहनतथी पोतानी रोजी कमाय छे ए निराधार निरीह माने निराधार। यहाँ पर एक और शब्दार्थ आया है निरीह माने निराधार, और भोले भोले श्रमजीवी जे मेहनतनुं काम करे छे जे मेहनत मजूरी करे छे ए श्रमजीवी एटले वो पीस रहे हैं। और झूठ तथा फरेब यानी खोटू अने फरेब एटले धोखा देकर जो कमा रहे हैं वो ज़्यादा ज़्यादा सुखी हो रहे हैं, फल फूलना यानी ज़्यादा सुखी होना। यहाँ ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदार मानस है तो इन्हें लोग मूर्ख नी उपाधि आपे छे के मूर्ख छे आ तो एम। सच्चाई केवल भीरू माने डरपोक और बेबस यानी मजबूर लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, यानी अविश्वास पैदा होना, आस्था हिलने लगना माने अविश्वास पैदा होना। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। त्रुटि यानी भूलों ने देन छे। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। यानी व्यक्ति विचारे तो छे सारू काम करीने पोतानी रोजी कमावानु आते पण क्यारे परिस्थिति छे ए एवो निर्माण करे छे के ए अवळे रस्ते चढ़ी जाय छे। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। घनी बार आदर्शों छे ए कानून सामे छे घनी बार एक बीजा सामे टकराता हो एवं लगे। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। क्या क्या के खराबी हो तो इन्हें जो इन्हें संपूर्ण खराब छे एवं मानी लेव जोइए नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। क्या सुख सुविधाओं को भारतवर्ष ने बहुत ही महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। व्यक्ति नो महान विचार अंदरूनी जे भाव छे ने एज परम छे। आपड़ा भारतीय संस्कृति मुजब आपड़े छे भौतिक वस्तुओनो संग्रह खोरी करवामां मानता नथी। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। लोभ मोह छे आ बधी वस्तु ने ते संपूर्ण मानी लेवू ए योग्य नथी। अने आपणी बुद्धि छे एने साव आना आधारित छोड़ी देवी एटले बुद्धिनो उपयोग न करवो, सतत लोभमां मोहमां ज रचेला पचेला रहेवू ए योग्य आचरण नथी। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। क्या है भारतवर्ष छे ભારતમાં આપણે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આને ઉચિત માનેલું નથી, યાને ઉચિત માને યોગ્ય નહીં માના હૈ। ઉન્હેં સદા સંયમ કે બંધન સે બાંધ કર રખને કા પ્રયત્ન કિયા હૈ, હંમેશા પોતાની જાતને લોભ મોહ છે એને સંયમિત રાખેલું છે, એને આ વસ્તુ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં યોગ્ય નથી। પરંતુ
भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जे वस्तु जरूरी छे ए जरूरी छे ज, एटले के भूख छे एने आपणे अवगणी शकीए नहीं। उपेक्षा करना यानी अवगणना करना, अवहेलना करना, उपेक्षा नहीं कर सकते। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह माने जे भटकेलू छे, ए रस्तो जे भटकी गयू छे, ते जे अवळे मार्गे, आपणे गुजरातीमां कहीए ने अवळे मार्गे चढ़ी जवू, एने गुमराह कहेवाय हिंदीमां। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने याना मापदंड पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई क्या है, जिसको हमने हासिल करने के लिए कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी जो जीवन की मूलतः ज़रूरतें हैं उनको हमने उन्नत बनाने के लिए और जो हमारा देश है वो प्रगति की ओर आगे बढ़े, इनको महत्व दिया, तो क्या होता है कि जो जिसको इस काम के लिए रखा गया वो ही अपना लक्ष्य को भूल गए और अपनी खुद की सुख सुविधाओं को देखने लगे और उसको ही ज़्यादा महत्व देने लगे और भटक गए। उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात हम भूल गए। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। संयम को दकियानुसी माने पुराने ख्यालातों वाला, दकियानुसी मान लिया गया यानी पुराने ख्यालों वाला मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। ऐसे थोड़े ही लोग है, एनो नतीजो शू निकलो के लोगों बधाने छे खराब मानवा लाग्या। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। क्या होता है, हम देखते हैं कि कई ताकतवर जो है वो गुनाह भी करते हैं तो भी किसी भी तरह से कानून से बच जाते हैं। इसलिए हम कभी कभार क्या होता है कि लोग धर्म से डरते हैं लेकिन कानून से बच निकलते हैं, कानून से डरते नहीं है। धर्म से तो डरते हैं, धर्म को हम मानते हैं पर हम जो है वो कानून से नहीं डरते। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। धर्म से डरने वाला, धर्म भीरू होना माने धर्म से जो डरता है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियाँ यानी भूल, जो कानूनी भूल छे घणी वार आपणे जोईए ने रिश्वत दईने छूटी जाए, निकली जाए, कंई पण करे, गमे ते रीते कोई केसमां फसायेला होय तो क्यांक क्यांक पैसा आपीने पोतानी ताकतथी निकली जता होय छे, ओळखाणोथी निकली जता होय छे, आपणे જોઈએ છે। એટલે આવા લોકો જે છે કાનૂનથી બચી જતા હોય છે। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है।
હજી ભારત છે આપણા ભારત દેશમાં હજી તે ધર્મને સર્વોપરિ માનવામાં આવે છે. માણસો ધર્મથી ડરે છે એમ. ઉપર ઉપર થોડી ખરાબી છે પણ હજી આપણા ભારત વર્ષમાં છે એ ધર્મને મહત્વ આપે છે. અભી સેવા ઈમાનદારી સચ્ચાઈ ઓ ધાર્મિકતા કે મૂલ્ય બને હુએ હે. હજી આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે પણ લોકડાઉનમાં લોકો ગરીબોને જમાડતા હતા, ઘણી બધી સ્વયંસેવી સંસ્થાઓ સરકારે તો મદદ કરી પણ સ્વયંસેવી સંસ્થાઓ પણ ઘણી મદદ કરતી હતી, ગરીબ લોકોને જમાડતા હતા. એટલે આ બધી સેવા ઈમાનદારી સચ્ચાઈ આધ્યાત્મિક હજી મૂલ્ય આપણામાં છે. વે તપ અવશ્ય ગયે હે, થોડા દબાઈ ગયા છે સમયની સાથે, થોડા આપણા જે મૂલ્યો હતા આપણા સંસ્કારો થોડા દબાઈ ગયા છે પરંતુ બિલકુલ નષ્ટ નથી થયા. લેકિન નષ્ટ નહીં હુએ, આજ ભી વહ મનુષ્ય સે પ્રેમ કરતા હે, મહિલાઓ કા સમ્માન કરતા હે, ઝૂઠ ઓર ચોરી કો ગલત સમજતા હે, દૂસરે કી પીડા પહોંચાને કો પાપ સમજતા હે. હર આદમી અપને વ્યક્તિગત જીવન મેં ઇસ બાત કા અનુભવ કરતા હે. સમાચાર પત્રો મેં જો ભ્રષ્ટાચાર કે પ્રતિ ઇતના આક્રોશ હે, વહ યહી સાબિત કરતા હે કે અભી અભી ભી માનવીય ગુણ જો હૈ હમારે વો મૌજૂદ હૈ. લોગ હમ દેખતે હૈ ના કે સમાચાર પત્રો મેં જો ભ્રષ્ટાચાર કી બાત છપી હોતી ઉસ પર લોગો કા આક્રોશ હોતા હૈ, તો યહી સાબિત કરતા હૈ કે અભી ભી હમે અચ્છી ચીજે હૈ, અચ્છે વિચાર હમે હૈ. ઓર સમાજ સે ઉન તત્વો કી પ્રતિષ્ઠા કમ કરના ચાહતે હૈ જો ગલત તરીકે સે ધન યા માન સંગ્રહ કરતે હૈ. દોષો કા પર્દાફાશ કરના બુરી બાત નહીં હૈ. પર્દાફાશ કરના યાની સચ્ચાઈ સામને લાના, દોષો કા પર્દાફાશ કરના માને સચ્ચાઈ કો સામને લાના. બુરાઈ યહ માલૂમ હોતી હૈ કે કિસી કે આચરણ કે ગલત પક્ષ કો ઉદ્ઘાટિત કરતે સમય ઉસમે રસ લિયા જાતા હૈ ઓર દોષોદઘાટ को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है. बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है. किसी की अच्छाई का हमें सम्मान करना चाहिए और उसे उसकी अच्छाई के बारे में सभी लोगों को बताना चाहिए. जबकि अभी हम देखते हैं तो क्या होता है कि कोई किसी को बुराई जो है उसको बाहर लाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि अच्छाई जो है उसकी इतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी बुराई को लोग बाहर ला के किसी को बदनाम करने में जुटे रहते हैं. तो ये भी गलत बात है. सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना જગતી હૈ. એક બાર રેલવે સ્ટેશન પર ટિકિટ લેતે હુએ, હવે લેખક છે એ પોતાનો અનુભવ કહે છે કે એકવાર સ્ટેશન ઉપર અને ટિકિટ લેતી વખતે શું અનુભવ થયો, તો કે મેં 10 કે બજાય 100 રૂપિયા કા નોટ દિયા ઓર મેં જલ્દી જલ્દી ગાડી મેં આગળ બેઠ ગયા. થોડી દેર મેં ટિકિટ બાબુ ઉન દિનો કે સેકન્ડ ક્લાસ કે ડિબ્બે મેં હર આદમી કા ચહેરા પહેચાનતા હુઆ ઉપસ્થિત हुआ. उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा. उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी. मैं चकित रह गया. शू कहे छे लेखक कि एक बार ट्रेननी टिकट लेता एमने 10 रुपयानी बदले 100 નોટ છે એ આપી દીધી ને ટિકિટ લઈને ફટાફટ જે ટ્રેનમાં છે એ બેસી ગયા. અને જે થોડી વાર પછી જે ટિકિટ ચેકર હોય એ આવ્યા, તેમણે ઈમાનદારીથી પોતાના પૈસા છે એમને પરત કર્યા કે તમે ભૂલથી મને આ નોટ આપી દીધી 100 ની 10 ની બદલે. તો લેખકને સંતોષ થાય છે કે ભાઈ ના, હજી તે અચ્છાઈ છે, જીવિત છે. ચકિત રહે જાના યાને આશ્ચર્ય ચકિત હો જાના. મેં ચકિત રહે ગયા તો આશ્ચર્ય ચકિત હો જાના, આશ્ચર્ય મેં પડ જાના, યહી ભી લિખ સકતે હૈ. કેસે કહું કે દુનિયા મેં સચ્ચાઈ ઓર ઈમાનદારી લુપ્ત હો ગઈ. અભી ઇસ ઉદાહરણ સે લેખક ને બતાયા કે અભી એસે લોગ અચ્છે લોગ ભી હૈ. હવે એમ સંપૂર્ણ રીતે કેમ કહી શકાય કે
सच्चाई अने अच्छाई जे छे ईमानदारी छे ए संपूर्ण लुप्त थई गई छे, संपूर्ण खोवाई गई छे एवुं आपणे कही शकीए नहीं। पण आवा लोको पण हजी दुनियामां छे। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और तीन बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन माने सुनसान स्थान जो है ना, निर्जन के जहाँ कोई लोग आवता जता ना हो, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया माने रुक गई। पहले रुक रुक के चल रही थी, बाद में रुक गई। और जो लेखक है वो पूरे परिवार के साथ उस बस में थे। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गया, कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। धोखा देना माने लोगों को संदेह हो गया, संदेह माने शंका होना, हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी कि हमारी साथ कई अघटित थवानी शंका लोगों ने थी। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, यानी कि लूटपाट होती है यहाँ पर। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। શું કહે છે પછી આવી રીતે કંડક્ટર છે એ ઉપરથી બસ ઉતારી અને નીકળી ગયો ત્યાંથી, એટલે એમ થયું કે આવી જ રીતે એકવાર બસને લૂંટી લેવામાં આવી હતી। તરહ તરહની વાતો લોકો અંદરોઅંદર કરવા લાગ્યા। પરિવાર સહિત અકેલા મેં હી થા, બચ્ચે પાણી ચિલ્લા રહે થે, પાણી કા કહીં ઠિકાના ન થા, આસપાસમાં ક્યાંય પાણી હતું નહીં, ઉપર સે આદમીઓ કા ડર સમા ગયા થા। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। घना लोगों ने उठे कि पहले कंडक्टर छे ए हवे कोई डाकू गुंडाओं ने लईने आवशे अने बस ने लूटवानो प्रयत्न करशे। एटले कंडक्टर तो जतो रहे पण ड्राइवर ने बधाए पकड़ी राख्यो। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइया उड़ने लगी। यहाँ पर फिर से एक मुहावरा आया, हवाइया उड़ना यानी चेहरे का जो रंग है वो फीका पड़ जाना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, हवाइया उड़ना यानी डर से जो रंग उठ जाता है ना उसे कहते हैं हवाया उठ जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, यानी डर से देखने लगा और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ऐसू करे छे लेखक ने सामने जो इन्हें कही छे कि हमें कई बस माटेनो प्रबंध करिए छे, आ बधा मने भेगा थईने मारशे। डर तो मेरे मन में भी था पर उसकी कातर मुद्रा देख कर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। इन्हें डर जो ही ड्राइवर ने लेखक ने थे कि भाई आने मारसो नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। शू कहे छे आनी बातों में फसासो नहीं। कंडक्टर ने डाकुओं ने लूटेराओं ने लेवा माटे थईने कंडक्टर ने पहला ज मोकली दीधो छे ने हवे आपने लूटी लेशे एम, एटले आनी बातों में फसासो नहीं। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखके विनंती करीने पण ड्राइवर ने बचाई लीधो। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। शू थे लोगों ने भी आशंका थी कि हमारा डाकू आवशे तो आ ड्राइवर ने छे एक जगह बेसाड़ी रखे, जो ये आपने कहीं नुकसान पहुँचाड़े तो आ ड्राइवर ने अपने पकड़ी ने मारवा मड़े। केम के एने उठ्यु कि ड्राइवर अने जे कंडक्टर छे ए बधा डाकुओ साथे मळेला छे, एटले एमणे ड्राइवर ने पकड़ी ने बेसाड़ी राख्यो त्यां अने एने घेरी लीधो। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय का क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। थोड़ी समय पछी जोयो लेखके तो एक खाली बस सामे थी आवती जोईने एनी अंदर जे आ बस नो कंडक्टर हतो के जे साइकल लईने गयो हतो ए
આવતો જો એ બસનો પ્રબંધ કરવા ગયો તો આ બસ ખરાબ થઈ ગઈ હતી માટે તો એને આવતા જોવે છે લેખક. उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ इस पर बैठिए. बस अड्डा यानी बस स्टॉप जो हो इत्यादि नवी बस लावे छे अने बधाने तेमा बेसवानु कहे छे. वह बस चलाने लायक नहीं है. फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया. वही दूध मिल गया થોડા લેતા આવ્યા હું. શું કહે છે કંડક્ટર આ લોકોએ કેવી કેવી અનુમાન કરી રાખ્યા હતા કે ભાગી ગયો ને હમણાં ડાકુઓને લઈને આવશે પણ એ કેટલો સારો વ્યક્તિ હતો કે બાળકો માટે ત્યાં દૂધ મળતું હતું તો દૂધને પાણી લઈને આવે છે. યાત્રીઓ મેં ફિર જાન આવી સબને ઉસે ધન્યવાદ દિયા. ડ્રાઈવર સે માફી માંગી ઓર 12 બજે સે પહેલે હી સબ લોગ બસ અડ્ડે પહોંચ ગયે. કેસે કહું કે મનુષ્યતા એકદમ સમાપ્ત હો ગઈ. હવે જે આ બે ઉદાહરણ લેખકે આપ્યા એના ઉપરથી કહે છે કે કેવી રીતે હું કહી શકું કે જે અચ્છાઈ છે એ એકદમ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, મનુષ્યતા એકદમ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. હું કઈ રીતે કહી શકું, કેસે કહું કે લોકો મેં દયા માયા રહી નહીં ગઈ. શું કહે છે કે કઈ રીતે કહી શકાય કે લોકોમાં દયા કરુણાભાવ રહ્યો જ નથી. જીવન મેં ન જાણે કેટલી એસી ઘટનાએ હુઈ હૈ જિન્હે મેં ભૂલ નહીં શકતા. જીવનમાં આવા કેટલાય ઉદાહરણો બન્યા છે, આ તો માત્ર બે આપણી સમક્ષ મૂકેલા છે, પણ આવી તો ઘણી બધી ઘટનાઓ બનેલી છે કે જેને લેતો ભૂલી શકતા નથી. એટલે કે સંપૂર્ણ ખરાબ આપણો દેશ છે, આ માનવીય ગુણો છે એ આપણામાંથી નીકળી નથી ગયા. મનુષ્યો છે હજી પણ દયા કરુણા પ્રેમ ભાઈચારાની ભાવના, લોકોને મદદરૂપ થવાની ભાવના, સેવાની ભાવના હજી પણ આપણામાં છે. ઠગા ભી ગયા હું, ધોખા ભી ખાયા હૈ, પરંતુ બહુત કમ સ્થળો પર વિશ્વાસઘાત નામ કી ચીજ મિલતી હૈ. કેવલ ઇન્હી બાતો કા હિસાબ રખો, જિન મેં ધોખા ખાયા હૈ તો જીવન કષ્ટકર હો જાયેગા. શું કહે છે લગે કે માત્ર જે વસ્તુ આપણે યાર ક્યારેક ખરાબ થઈ ગઈ હોય એને યાદ જ રાખીએ અને સારી વસ્તુને આપણે ભૂલી જઈએ તો જીવન કેવું બને, તો કે કષ્ટોથી ભરાઈ જાય, દુઃખોથી ભરાઈ જાય, વ્યથિત થઈ જાય એમ. તો જીવન કષ્ટકર હો જાયેગા યાની દુઃખી હો જાયેગા. પરંતુ એસી ઘટનાએ ભી બહુત કમ નહીં હૈ જબ લોકોને અકારણ સહાયતા કી હૈ. સહાયતા કરના યાની મદદરૂપ હોના, અકારણ એટલે કારણ વગર પણ, એમને કોઈ ઓળખાણ ના હોય તો પણ આવીને અજાણા લોકો પણ મદદરૂપ થયા હોય, એટલે આવા ઉદાહરણો પણ ઓછા નથી. નિરાશ મન કો ઢાંઢસ દિયા હૈ ઓર હિંમત બંધાઈ હૈ, યાની કે જો મન નિરાશ અમારા હો ગયા હૈ કે આજકાલ ઇતની ચોરી ડકેતી હો રહી હૈ, હમ રોજ પઢતે હૈ યહી અખબારો મેં હોતા હૈ ઓર ન્યૂઝ મેં ભી યહી ટીવી પર દિખાયા જાતા હૈ, તો યે જો મન હમારા નિરાશ હો ગયા હૈ વો ઉસે ઢાંઢસ દિયા, ઢાંઢસ દિયા યાની સાંત્વના દેના, હિંમત બંધાઈ હૈ. કવિવર રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરને અમને એક પ્રાર્થના ગીતમાં ભગવાન સે પ્રાર્થના કી થી કે સંસાર મેં કેવલ નુકસાન હિ ઉઠાના પડે, ધોખા હિ ખાના પડે, તો એસે અવસરો પર ભી હે પ્રભુ મુજે એસી શક્તિ દો કે મેં તુમ્હારે ઉપર સંદેહ ન કરું. શું કહે છે કે મને ભગવાન એવી શક્તિ આપે કે ક્યારેય પણ ધોખાધડી થાય કે કંઈ પણ થાય તો પણ ભગવાન હજી છે જ, ભગવાનના અસ્તિત્વ ઉપર ક્યારેય શંકા કુશંકા થાય નહીં, સંદેહ ના થાય એવી, હે ભગવાન હું તમારા ઉપર પ્રાર્થના કરું છું, મને એવી શક્તિ આપો. મનુષ્ય કી બનાઈ વિધિયા ગલત નતીજે તક પહોંચ રહી હૈ તો ઇન્હે બદલના હોગા, વસ્તુત આયે દિન ઇન્હે બદલના બદલા હિ જા રહા હૈ, લેકિન અબ ભી આશા કી જ્યોતિ જો હૈ વો બુઝી નહીં હૈ, મહાન ભારતવર્ષ કો પાને કી સંભાવના બની હુઈ હૈ, બની રહેગી, મેરે મન નિરાશ હોને કી જરૂરત નહીં હૈ. યાનિ કે અભી ભી અચ્છાઈ જો હૈ વો દુનિયા મેં હૈ, હમારે ભારત કે લોગ હૈ, હમારે જો ભારત દુનિયા કે લોગ જો હૈ વો અભી ભી અચ્છે હૈ ઓર એક દૂસરે કી મદદ કરતે હૈ, દયા ભાવના સંસ્કાર સભી હૈ. હા બુરાઈયા થોડી બહોત હૈ લેકિન ઉસસે હમ અચ્છાઈઓ કો ભૂલ નહીં સકતે હૈ, યાનિ કે મેરે મન અબ નિરાશ હોને કી જરૂરત નહીં હૈ. તો અહીંયા આપણો પાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે અને આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ. શબ્દાર્થ અને ટિપ્પણી પહેલાં જોઈ લઈએ. જો અહીંયા લખેલી છે
और शब्द तस्करी माने चोरी, डकैती जगह मनीषी यानी पंडित, मेघावी लोग, माहौल यानी परिस्थिति, निरीह यानी निराधार लोग जिसका कोई आधार ना हो उन्हें निरीह बोल सकते हैं, फरेब यानी धोखा होना, भीरू यानी कायर और डरपोक भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आलोडन यानी मथना हिलोरना, संदेह यानी हमने अभी समझा शंका की दृष्टि से संदेह होना यानी एक शंका होना, निकृष्ट यानी अधम और नीच जिसे बोलते हैं वो, गुमराह भूला हुआ, और पैमाना यानी मापदंड, हमने पाठ में ये भी शब्द मैंने आपको बताया था, पैमाना यानी मापदंड, दक्यानुसी यानी पुराने ख्याल वाला, ये भी हम समझे हैं, त्रुटि यानी कमी गलती निकालना त्रुटि, कातर यानी लाचार दृष्टि। अब मुहावरे देख लीजिए, मैं मन बैठ जाना यानी उदास होना, मन मारना, फल फलना फूलना यानी समृद्ध होना यानी विकसित होना, पर्दाफाश होना यानी भेद खोलना, ज्योति बुझना यानी मर जाना, और कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना। तो यहाँ पर हमारा जो ये तीसरा गद्य है हिंदी में ये पूर्ण होता है, और आपको स्वाध्याय लिखकर मुझे भेजना है, और इसके प्रश्न जवाब जो है वो भी आपको पढ़ने हैं। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले नए प्रकरण के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।